हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है। तो ग्राफ हम लोग ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नथिंग बट, ठीक है, एक वेरिएबल दिया। ठीक है, कोई भी वेरिएबल किसके बराबर होगा? इंटीजर, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा? इट विल बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इसको दिस इज ब्रैकेट ऑफ एक्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, मतलब इसमें इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी ए पॉजिटिव नंबर, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखने का। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को कर्ली ब्रेसेस में लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा छोटा एग्जांपल है 8.2। ठीक है, 8.2 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं इसको? ठीक है, तो इसको मैं 8 + 0.2 ऐसा लिख सकता हूँ। 8.2 को 8 + 0.2 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 8.2। तब इसमें अगर ये मेरा इंटीजर पार्ट है, 8 मेरा इंटीजर पार्ट है, 0.2 मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, इसमें 8 मेरा इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर किस में आ रहा है? इंटीजर ब्रैकेट में आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इट विल बी व्हाट, 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट में 8.2 है, तो 8.2 में मेरा फ्रैक्शनल क्या है? 0.2, तो इधर पे 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इट बहुत इजी है। ठीक है, समझ के लो। ठीक है, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बात, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, -9.3 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम लोग -10 प्लस 0.6, हाँ? तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे -10.9 हुआ, 3 हुआ, 0 हुआ, 9.3 हुआ। एक बार देखो, -9 को -9 - 0.3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये मेरा इंटीजर है, मेरा इंटीजर पार्ट है और मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, पर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या? फ्रैक्शनल पार्ट विल बी ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव नंबर, पर ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना है? -10, ठीक है, -10 प्लस क्या करेंगे? -10 + 0.6 हो गया। ठीक है, -10 + 0.6, ठीक है, -7 आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरा इंटीजर हो गया और ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये सही है, ये बराबर फॉर्मेट में।
तो -9.3 का इंटीजर पार्ट क्या हुआ, यहाँ पे -10 हो गया, ठीक है। और -9.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, 0.7 हो गया, ठीक है। तो आपको दिस ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला क्यों, क्योंकि मेरा नेगेटिव है और हमको पॉजिटिव चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट हमको पॉजिटिव चाहिए, तो दिस विल नॉट बी वैलिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -11.34, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, -11.34 -11.34 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक काम करो, ठीक है, इसको मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, फिर -12 प्लस 0.77, ठीक है। तो इसमें मेरा इंटीजर पार्ट क्या हुआ, -12, और इसमें मेरा क्या हुआ, माइनस प्लस प्लस रहेगा, ये मेरा प्लस रहेगा, प्लस 0.77, ठीक है। ये मेरा इंटीजर पार्ट -12 हुआ, -11.34 का इंटीजर पार्ट -12 हुआ, माइनस इसका 0.77, ठीक है। ये हमेशा ये साइन का आप हमेशा ध्यान देना, इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अगर आप ऐसा इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इजी पार्ट फॉर यू, ठीक है। तो हमको इसमें क्या ध्यान देना है, इंटीजर कौन सा है और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो अभी आपको 11.34 मिलेगा, ठीक है, ये मेरा माइनस है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखो -7, ये तो इंटीजर ही हो गया, ठीक है, -7 डायरेक्ट ही इंटीजर दे दिया है, 7 7, ठीक है। तो 7 को हम कैसा लिख सकते हैं, 7 प्लस 0, 7 प्लस 0 लिख सकते हैं 7 को, ठीक है। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या हुआ, इंटीजर विल बी 7, ठीक है, और इसका इंटीजर क्या हुआ, 0 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, 0 क्या, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 7 ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो इंटीजर विल बी रिटन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो 0 लिख दिया, ठीक है। तो इसका इंटीजर क्या होगा, 7 होगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होगा, 0 होगा। अभी यहाँ पे देखो -10, तो -10 को कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 0, तो -10 का इंटीजर पार्ट क्या आएगा, -10 आएगा, और 10 फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ नोट दिया है, ठीक है, नोट में देखो क्या, फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। मतलब क्या, ये जो फ्रैक्शन है दिस वन, दिस विल बी ए नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया भी है, विल बी ए पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे देखो सेकंड नोट में क्या है, इंटीजर पार्ट विल ऑलवेज बी ए इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ये जो मेरा इंटीजर है ये हमेशा इंटीजर ही होगा, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द नंबर, इट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ये मालूम है, ये वाला जो नंबर है 8, 8 विल बी इक्वल टू 8 और इट विल बी लेस देन 8, पर 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो मेरा है इट विल बी इक्वल टू 8 और इट विल बी है लेस देन एंड इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये 8 ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ नोट 2 में, नोट 3 में देखो क्या है, अंटिल इट इज डिफाइंड इन द क्वेश्चन, जब इट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, अंटिल
एबिलिटी गिवन तो कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा आपने कर्ली ब्रेसेस और लॉन्ग ब्रैकेट दिया है विल बी यूज्ड एज सिंपल ब्रैकेट ठीक है अंटिल इट इज डिफाइंड इन द क्वेश्चन विल बी तब तक जब तक ये क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया तब तक हम विल बी यूज्ड एज सिंपल ब्रैकेट ठीक है अब यहां पे देखो 3.5 इसका ठीक है इसको हम लोग कैसा लिखेंगे 3.5 को 3.5 ठीक है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो इसको हम लोग 3.5 की तरह ही लिखते हैं ठीक है इट विल बी 3.5 ठीक है क्योंकि हमको कुछ पूछा नहीं है हमको नहीं बोला है ठीक है हमको इट इज नॉट डिफाइन दैट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन पार्ट हमको बोला ही नहीं है फ्रैक्शन पार्ट ढूंढना ही है पर यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला ही नहीं है ना वेदर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ये ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वेश्चन में सिर्फ 3.5 और ब्रैकेट में दिया बस और क्या फाइंड आउट करना है क्या है सीधा 3.5 ठीक है अभी यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन देखो ब्रैकेट में 3.5 दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन वेयर ये ब्रैकेट में this bracket ठीक है round bracket denote the greatest integer function तो यहाँ पे क्या आएगा ठीक है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा 3.5 is equal to और एक और है 3.5 ठीक है तो इसमें इसका वैल्यू 3 आएगा ठीक है और यहाँ पे 0.5 आएगा ठीक है इसको हम लोग क्योंकि यहाँ पे क्या दिया वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये ब्रैकेट के बारे में बोला गया है यहाँ तो इसलिए 3.5 को हम लोग ऐसा लिखेंगे पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था It is just written as bracket 3.5 plus question mark दिया है। तो इसको आप कैसे represent करोगे 3.5 को? It is written as just 3.5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग होगा answer, ठीक है? Here the answer will be 3.5 को आप 3 लिख सकते हो और curly braces को 0.5, ठीक है? I hope आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो this is आज के लिए, ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही।